हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ दिनों के अंतराल पर ही दो बार बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की ताकि महंगाई पर काबू किया जा सके, लेकिन उसके पहले ही महंगाई दर नई ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। खाने पीने की चीज़ों और कच्चे तेल के महंगा होने से थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति दर यानी महंगाई दर मई में बढ़कर 15.88% के 10 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI पर आधारित मुद्रास्फीति इस साल अप्रैल में 15.08% और पिछले साल मई में 13.11% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने महंगाई दर की पुष्टि करते हुए एक बयान में कहा है, मई 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से खनिज तेलों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थों, मूल धातुओं, गैर खाद्य वस्तुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों तथा खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले हुई वृद्धि के कारण है। WPI मुद्रास्फीति पिछले साल अप्रैल से लगातार 14वें महीने दहाई अंकों में बनी हुई है और 3 महीनों से लगातार बढ़ रही है। मई में खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति 12.34% थी। इस दौरान सब्जियों, गेहूं, फलों और आलू की कीमतों में एक साल पहले की तुलना में तेज वृद्धि हुई। सब्जियों के दाम 56.36%, गेहूं 10.55% और अंडा, मांस तथा मछली की कीमत 7.78% बढ़ी। ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति 4.62% थी, जबकि विनिर्मित उत्पादों और तिलहन में ये क्रमशः 10.11% और 7.08% रही। कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की मुद्रास्फीति मई में 79.50% थी। मई में खुदरा मुद्रास्फीति 7.04% थी, जो लगातार 5वां महीने रिजर्व बैंक के लक्ष्य से ऊपर रही। महंगाई पर काबू पाने के लिए RBI ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में मई में 0.4% और जून में 0.50% बिंदु की बढ़ोतरी की थी।